हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो है चंद्रताल लेक की। और ये जो स्टोरी है ना, वो काफ़ी सारा रोमांच और एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो उस रात से स्टार्ट होती है जब मेरा एक फ्रेंड है मनोज, जो हाल ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी करता रहता है, उसे हम प्यार से माइक बोलते हैं। तो माइक का फ़ोन आया रात को मुझे कि भाई मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, चलेगा क्या? सो उस टाइम पे मैं ज़्यादातर अपनी बाइक पे ट्रैवल करता था, राइडिंग वगैरह करता था, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करना। सो उसने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ चंद्रताल लेक। तो मैंने बोला यार कि जगह तो काफ़ी सुनी हुई है और अच्छी है और मैंने वीडियोज़ भी देखी हुई हैं। तो मैंने कहा भाई बता क्या सीन है फिर। तो उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे जाना है और एक ट्रैक है वहाँ पे 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर का, आई थिंक 14 किलोमीटर के आसपास का, तो वो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना कैसे चल पाएगा आदमी? तो वो मेरे से बोलता भाई तू पहाड़ी होके ऐसी बात कर रहा है यार। मैंने बोला बात तो सही है भाई, पहाड़ी होके अगर 14 किलोमीटर या 12 किलोमीटर भी नहीं चल पाए तो क्या फ़ायदा। तो उस टाइम पे जो जो उसमें मैंने हाँ बोल दी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी कि भाई क्या ट्रैक है, क्या है क्या नहीं है। तो हमारा जो प्लान बन रहा था वो बन रहा था मई का। तो मैंने जो इंटरनेट पर पढ़ा कि यार मई में थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज रोड ब्लॉक हो जाती है बर्फ़ के कारण, और इनफैक्ट वो लेक भी जो है वो फ्रोजन रहती है उस टाइम पे, और वेंडर्स वगैरह वहाँ पे होते नहीं हैं उस टाइम पे, कैंपिंग वगैरह व्यवस्था वहाँ पे नहीं रहती है। तो फिर मैंने मेरे कुछ दोस्त थे राइडर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे गए हुए थे बाइक से अपनी, तो मैंने सोचा उनसे कुछ पूछा जाए। तो मैंने उनसे बातचीत करी और उन्होंने बताया मुझे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रोड जाती है बढ़िया, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है वहाँ पे अगर तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो। मैंने कहा मैम तो प्राइवेट गाड़ी से नहीं, अपने ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, बस तो वगैरह जाती है, अगर ट्रैक भी कर रहे हो तो ट्रैक भी, वो आप रोड बाई रोड जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब तो मैं एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे कि ठीक है चलो, कोई खोने खाने का सीन नहीं है, तो रोड जा रही है तो दैट इज़ फाइन। और उसके बाद फिर मैंने अगले दिन मनोज को कन्फर्मेशन के लिए कॉल करी कि भाई जा तो रहे हैं लेकिन रहने का सीन क्या है वहाँ पे? मैंने पढ़ा था कि यार वहाँ पे तो कोई है होगा ही नहीं इस टाइम पे, रोड भी ब्लॉक मिल सकती है। तो उसने बोला भाई मैं अपना टेंट लेके चल रहा हूँ और पूरा सामान लेके चलेंगे यहाँ से, अपना किचन का और मैगी के पैकेट और चॉकलेट बिस्कुट वगैरह साथ में रख लेंगे। मैंने सोचा यार कि यार ये थोड़ा सा रिस्की तो लग रहा है बट एडवेंचरस है। बस भाई फिर वहाँ पे क्या था कि हमने बोला ठीक है चलो चलते हैं, और हमें क्या पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। सो हम लोगों ने एक डेट फिक्स करी और फिर हम लोग मिले उस दिन। तकरीबन सुबह का 7 बज रहा था, हम लोग ISBT बस स्टैंड पे मिले। हमें बस पकड़नी थी मनाली जाने वाली जो कि 8 बजे करीब वहाँ से चलती है। बस फिर वहाँ पे मिले, हम काफ़ी बातचीत करी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिले थे, और इनफैक्ट हमने ब्रेकफास्ट भी वहीं बस स्टैंड पे किया था। तो बस फिर हम 8 बजे वहाँ से निकल गए मनाली के लिए। तो हालांकि थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार बस में थोड़ी नींद आ जाए, आराम से सोऊंगा, तो मनाली पहुंच के थोड़ा सा वहाँ पे भी एक रूम रेंट पे लेके थोड़ा सा एक आध घंटा रेस्ट मार के अपना आराम से बाटल के लिए बस पकड़ लेंगे। अब जो बाटल के लिए बस पकड़नी थी उसका भी एक था फंडा कि भाई वो 2 बसें चलती है बाटल के लिए वहाँ से, हमने जो पता किया था। एक चलती है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे करीब, और जो दूसरी चलती है वो करीबन दिन में चलती है 3-4 बजे के आसपास। तो हमें पकड़नी थी सुबह वाली बिकॉज हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था। बस भाई फिर निकल गए, 8 बजे करीब बस निकली, और पहली चीज़ जो हमारे साथ हुई कि इतना ज़्यादा जाम मिला हमें कि हम पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ तकरीबन सुबह के 3 बज गए। पूरे के पूरे लगभग 19 घंटे लगे हमें वहाँ पहुँचने में, ठीक है। वो तो हम थोड़े से लकी निकले बिकॉज 3 बजे भाई कुछ नहीं खुला था वहाँ, सब कुछ बंद। वो तो बस स्टैंड पे एक कोई ठेला सा मिल गया हमें जहाँ पे ऑमलेट वगैरह मिल रहा था। तो बस फिर ऑमलेट वगैरह खाया, चाय वाय पी के गुजारा किया, और थोड़ा सा हमने फिर सोचा कि थोड़ा होटल देख लेते हैं बिकॉज अभी 3-2 घंटे भी अगर हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, नहा धो ले, बिकॉज इतना लंबा जर्नी करके हम पहुँचे थे वहाँ तक। बस थोड़ा ढूंढ रहे थे तो एक बंदा मिल गया, उसने हमें होटल प्रोवाइड कर दिया, एक रूम दे दिया कुछ घंटों के लिए। तो हमने वहाँ पे गर्म पानी से नहाया और एकदम बॉडी फ्रेश हो गई। बस फिर भाई क्या था कि एकदम सेट हो गया दिमाग कि अब तो पहुँचना है बाटल, अब वहाँ से चलना है चंद्रताल ट्रैक के लिए। बस फिर उसके बाद हमने नहा धो के जैसे निकले तो हमारी बस थी सुबह 5 बजे की, हम पहुँचे बस स्टैंड वहाँ। तो भाई हम पहुँच गए बस स्टैंड तकरीबन 5 बजे के करीब, और वेट कर रहे हैं बस का। तो 5 से 5:30 हो गए। तो पहले तो आप इमेजिन करो कि हम लोग इतना ट्रैवल करके आए हैं और उतने 19 घंटे बस में जर्नी करने के बाद, वो भी रोडवेज वाली बस में, आधा घंटा हम वहाँ खड़े हैं बस स्टैंड में, कोई बस ही नहीं आई। तो फिर हमने क्या करा, अंदर जाके पता किया वहाँ पे जो बस स्टैंड होता है पूछताछ केंद्र, तो उन्होंने बताया कि भाई थोड़ी बस थोड़ी चल रही है डीले, तो थोड़ा वेट कर लो अभी आ जाएगी। तो समहाउ वेट करते करते बस जो आई वो आई 7-7:30 बजे के करीब, समझ रहे हो, 5 बजे से हम वहाँ खड़े हैं। चलो ठीक है, फाइनली बस आई। तो एक मुस्कान चेहरे पे आई कि भाई ठीक है फाइनली बस आ गई, अब चलो निकलते हैं यहाँ से।
और हमारे साथ इनफैक्ट काफ़ी लोग थे वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि हम ही बाटल जाने वाले थे, काफ़ी लोग थे, गाँव के भी थे और काफ़ी लोग ट्रैवलर भी थे और काफ़ी सारे लोग थे जो बाटल के लिए खड़े थे हमारे साथ उस बस में चढ़ने के लिए। तो बस आई और कंडक्टर निकला बाहर, हम चढ़े बस में, तो देखा भैया बस की सीटें तो पूरी पैक हैं, एक आध सीटें बची हुई थी, तो कंडक्टर ने बोला ये पहले से बुक है, क्योंकि वो बस जो थी ऑनलाइन बुक थी। ले भाई इसी की कमी थी बस समझ लो। तो बस फिर क्या था, दोनों के फेसेस पे निराशा देखने को मिल रही थी, तो हमने कंडक्टर से पूछा, हालांकि हमें पता था कि यार वहाँ पे से टैक्सीज भी चलती हैं बाटल के लिए और तो हम टैक्सी में भी जा सकते हैं, बट जो टैक्सी थी वो थोड़ा लेट चलती है और हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे और 7 बज गया था और टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है एज़ कम्पेयर टू बस। और कुछ लोग थे हमारे साथ और हम भी थे, तो सब ने बोला कंडक्टर को कि यार भाई हम खड़े खड़े आ जाएंगे, मतलब हमने नहीं बोला, वो इतनी वो पीछे से लोग बोल रहे थे कि भाई हम खड़े खड़े चल लेंगे, बस हमें आप अंदर आने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें अगर खड़े खड़े जा सकते हो तो आ जाओ, तो भैया वो घुस गए, तो जो जो उसमें हम भी घुस गए। तो बस ठीक है, हमने बोला चलो जैसे तैसे करके बाटल तो पहुँचे, तो बस हम बस में चढ़ गए और खड़े खड़े जा रहे हैं और कभी नींद आ रही है तो खड़े खड़े झपकियाँ ले रहे हैं। तो वो काफ़ी एक था कि मतलब एक होता ना कि जैसे कुछ करने की तमन्ना होती है, तो जो रास्ते में आ रहा होता है चलो ठीक है सह लिया, कोई नहीं चलते रहने दो चलते रहने दो, बट वहाँ पहुँचना है। तो वही चीज़ चल रही थी, वही चीज़ हमें खींचे ले जा रही थी और वही एक मोटिवेशनल फैक्टर था कि चंद्रताल लेक पहुँचना है, बिकॉज उसकी जो ब्यूटी है वो डिज़र्व करती है इस हार्डनेस को। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, आपको पता ही है मनाली के पहाड़ कितने खतरनाक हैं, तो खड़े से मैं धीरे धीरे करके अपना बस के फ्लोर पर बैठ गया। बस से बस फ्लोर पे बैठा तो झपकियाँ लग रही हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद झपकियाँ लगने के बाद आपको पता ही वहाँ पे जाम का सीन क्या रहता है। फाइनली हम रोहतांग पास के पास पहुँचे, रोहतांग पास के पास इतना जाम था मतलब समझो कि मैं सो गया एक बार के लिए, और जब दोबारा मेरी आँख खुली तो फिर भी मैं जाम में ही बैठा था। तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए सोया हूँगा वहाँ पे, तो समझ लो मतलब बहुत बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल कैसे भी करके हम लोग रोहतांग पास हमने क्रॉस कर लिया, और बस वाले ने रोहतांग पास का जो मेन पॉइंट है वहाँ से क्रॉस करते जो मोड़ है ना वहाँ पे रोका 5-10 मिनट, तो हम लोग बाहर निकले अपना फ्रेश व्रेश हुए, हमने भी थोड़ी फोटो वोटो खींची, अपना माहौल बन गया, दोबारा हम मोटिवेटेड हो गए और बॉडी भी थोड़ी रिफ्रेश हो गई बिकॉज एक आध झपकियाँ लग गई थी। पर हमें नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कितना बड़ा एडवेंचर हमारा वेट कर रहा है बाटल पे, वो हमें नहीं पता था।